अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया और एक बार फिर बुरके को लेकर नया विवाद बवाल शुरू हो गया। दिल्ली में दरअसल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और 25 मई को वोटिंग के दौरान बुरका पहनकर आने वाली महिला वोटर्स की अच्छी तरह से जांच की मांग की कि वेरिफिकेशन बेहतर हो। बीजेपी का कहना है कि भाई जो लोग बुरका या फेस मास्क या घूंघट लगाकर वोटिंग करने आते हैं ना, उनको पूरी जांच के बाद ही मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। चेहरा दिखाओ, बटन दबाओ, जब तक कोई महिला अधिकारी जांच ना कर ले बुर्का पहनने वाली महिलाओं को वोटिंग की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बीजेपी ये मांग कर रही है। अब ये मांग हुई और सियासत शुरू हो गई। ऑल इंडिया एमएम अध्यक्ष असद ओवैसी की भी इस पूरे विवाद में बुर्का पर बवाल, ओवैसी के सवाल, एंट्री हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हैंडबुक का क्लॉज है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहां एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हमने तो सिर्फ निवेदन इतना किया है कि जो बहनें जब आधार कार्ड बनवाती हैं, वोटर आई कार्ड बनवाती हैं, पासपोर्ट बनवाती हैं, तब भी वो चेहरा दिखाती हैं, तो वोट डालते समय चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है। तो महिला अधिकारी अधिक मात्रा में सुनिश्चित की जाए और ये तय करे कि कोई भी वोटर बिना आइडेंटिफिकेशन के वोट ना डाले। सवाल ये कि क्या किसी को बिना चेहरा दिखाए वोटिंग की इजाजत होनी चाहिए या चेहरा देखा जाता है, इसको जबरदस्ती का मुद्दा बीजेपी बना रही है। बुरके पर जबरदस्ती बवाल करने की कोशिश है मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके। ये सब क्या जो ओवैसी कह रहे हैं वो सच है या जो बीजेपी कह रही है कि वेरिफिकेशन थोड़ी बेहतर हो, पता लग जाए ताकि फर्जी वोटिंग ना हो पाए बुरके की आड़ में, या फिर क्या धर्म के आधार पर किसी को ये छूट क्या मिल सकती है कि भाई वो बिना चेहरा दिखाए वोट डाल सकता है? ऐसा वैसे होता नहीं है। मतलब जो वहां पर अधिकारी होते हैं, जो महिला अधिकारी होती हैं, वो ये कर भाई वेरिफिकेशन होती है। करीब 11 दिन पहले क्या हुआ था कि 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार, मैं आपको ये बता रहा हूं इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, याद करिए, माधवी लता ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। माधवी लता का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो मतदान केंद्र पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की खुद पहचान करते हुए दिखाई दी कि वो बुर्का हटा रही थी और आईडी चेक कर रही थी, जिसके बाद बवाल हो गया, हंगामा हो गया, विरोध हुआ। कुछ ही घंटों में माधवी लता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया, एफआईआर हुई थी उनके खिलाफ, बड़ा बवाल हुआ। चलिए अब आप एक और तस्वीर देखिए जो ये शक जाहिर किया जा रहा है कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये बेवजह का विवाद है, नहीं है। बीजेपी कह रही है जो है वेरिफिकेशन और बेहतर हो, जो है जांच हो, बिना जांच के ना वोटिंग करने दिया जाए, बुरके में फर्जी वोटिंग ना हो जाए। तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हुआ है कहीं? बिहार के दरभंगा में दरअसल हो गया ऐसा। जी हाँ, बिहार के दरभंगा 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग के बाद 100 से 150 लोगों की भीड़ ने क्या हुआ, एक थाने पर धावा बोल दिया। चार आरोपियों को छुड़ाकर अपने साथ ले गई भीड़। भीड़ ने पुलिस की कस्टडी से जिन आरोपियों को छुड़ाया, क्या आरोप थे उन पर? उन पर फर्जी वोटिंग का आरोप था। इनमें 3 महिलाएं थी, 1 पुरुष। महिलाएं बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रही थी, पुरुष उनका साथ दे रहा था, पकड़ा गया यहां। इसी दौरान बूथ पर तैनात कर्मचारियों को शक हुआ, उन्होंने चारों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद रात में भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और आरोपियों को अपने साथ लेकर, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है बुरके में फर्जी वोटिंग। हमें नहीं पता भी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, असद ओवैसी सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था बुरके में फर्जी वोटिंग वाले मामले में, और आरोपियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाए। मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट एज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहाँ एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है, हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले चेहरा दिखाओ, फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है।
बीजेपी को आशंका है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुरके में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए, इसके बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी की इस मांग से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए बीजेपी ऐसी बेतुकी मांग कर रही है। कल हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो नकाब पहन के जाए या मास्क लगा के जाए या पर्दा नशीन बुरका पहन कर आए, उनकी फेस की पहचान, चेहरे की पहचान बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही वोट कास्ट का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-16 साल की बच्चियों को बुरका पहना कर फेक वोटिंग डलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुरखा उतार के देखेंगे, चेहरा नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब? पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवारा थी वो तो पोलिंग बूथ पर जा जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बुरका पहने मुस्लिम महिलाओं की जांच करती नजर आईं। इसको लेकर हंगामा मच गया और चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि उस दौरान फर्जी वोटिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बिहार के दरभंगा में बुरके में फर्जी वोटिंग के सबूत भी मिले और केस भी दर्ज हुआ। दरभंगा में पांचवें चरण की वोटिंग के बाद 100-150 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोपियों को छुड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश के लिए SIT का गठन किया गया है। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बुरका पहनकर आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच की मांग कर रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है।